ये मुझे नहीं पता था बाहर इतना वो हो गया है, और मैं तो ये करता ही रहता हूँ नॉर्मली भी, और बहुत अच्छा लग रहा है यार मेरे को, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने सपनों में ये सब चीजें देखी थी और नींद नहीं आ आज रियल में हो रही है, और मैं सो नहीं पा रहा हूँ ये भी सही है, और मैं सो नहीं भी रहा हूँ ये भी सही है, क्योंकि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मैंने सच में, मुझे सबने बताया, आप लोगों ने, मीडिया टीम ने भी इतना सपोर्ट किया टाइम पे मुझे, तो थैंक यू सो मच आप सबका यार, थैंक यू सो मच। अभिषेक, खबरें आ रही है कि आप खतरों के खिलाड़ी में जाने वाले हो, क्या ये सच है क्या? मैं इस बारे में कोई बात अभी नहीं कर सकता हूँ, जब भी मैं जाऊंगा मैं आपको बता दूंगा। और नागिन का भी ऑफर आया है ऐसा सुना। मैं ऐसे ही स्माइल कर रहा हूँ, बहुत रो के आया हूँ ना 3.5 महीने। मेल नाग, हाँ मेल नाग, आप और अंकित को ऐसा कहा जा रहा है, अंकित भाई के साथ है तो मैं देखता हूँ अंकित भाई के साथ है। अभिषेक भाई, ईशा ने आपको थैंक्स भी, कांग्रेचुलेशन भी बोल दिया है खतरों के खिलाड़ी के लिए। हाँ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं कहूंगा कि मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। अभिषेक मुनव्वर के साथ कब मिल रहे हो, कब पार्टी होने वाली है? बहुत जल्दी मिल रहा हूँ, बस यहाँ से एक बार फ्री हो जाएं। आपको सबको टाइम देना ज्यादा जरूरी है, मुनव्वर भी यही मानता है कि आप लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो पहले आप लोग फ्री हो जाएं, फिर हम लोग आराम से मिल लेंगे। ऑल्सो ये भी सुना जा रहा है कि आपके डैड मुनव्वर से मिलना चाहते हैं, क्योंकि जब मुनव्वर ने वो ये अभिषेक अभिषेक बुलवाया डोंगरी में, तो मेरे फादर को वीडियो दिखी और पापा कहते मुझे अभी मिलो, मुझे मिलना है। मैंने कहा पापा जी बिजी है, कहते नहीं मिलवा, मैंने कहा वीडियो कॉल पे बात कर लो, तो वीडियो कॉल पे बात करवाई और मिल नहीं पाए, और पापा चले गए वापस पंजाब, और जब भी वापस आएंगे तो आपको मुनव्वर और मैं मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।